कर लेती हूँ, जो कि मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक नगर से मौजूद हैं। हितेंद्र, अगर अशोक नगर की अगर बात कर ली जाए तो आज इस चुनावी हलचल को अगर मैं लेके बात करूँ तो आज क्या कुछ खास वहां पर रहने वाला है? देखिए, अशोकनगर की अगर बात करें तो कल अशोकनगर पूरे प्रदेश के परिदृश्य पे अपने आप आया था। दरअसल हाँ। दोनों जो प्रत्याशी हैं, अशोकनगर और मुंगावली, दो अलग सीटों के, इन दोनों के बीजेपी प्रत्याशियों को लेकर विवाद शुरू हुए थे। मुंगावली के जो प्रत्याशी हैं ब्रजेंद्र यादव, जो मंत्री है इस समय सरकार में, उन्होंने सिख समाज के एक कार्यक्रम के दौरान जो अभद्रता की थी या उनका जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो समाज के लोगों को देख लेने की धमकी देने वाली मामला का, इस मुद्दे को कांग्रेस ने हवा दी थी। प्रदेश प्रवक्ता और खुद जीतू पटवारी ने इसको लेकर ट्वीट किए थे, बयान किए थे, और इसके बाद कांग्रेस भी इस मामले में आक्रामक हुई और बीजेपी ने उसी समाज के लोगों की तरफ से जो है बहादुरपुर थाने में FIR के लिए आवेदन दिया है। तो ये मामला अपने आप बहुत तेजी से सामने आया कि एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है वो इस तरह से आक्रामक होकर बात कर रहा है, धमकाने वाली बात कर रहा था। शाम होते होते अशोकनगर के जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनसे भी एक बड़ा विवाद जुड़ा। वेदांत भवन में जजपाल सिंह जज्जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वो पंचायत सचिवों के साथ बैठक कर रहे थे। इसको लेकर SST और प्रशासन की टीम ने छापा भी मारा, वहां भगदड़ भी मची। तो ये दोनों मुद्दे बहुत तेजी के साथ आगे आए थे। इसके अलावा जब जैसे ये सब चीजें आई और संगठन में बहुत सारी चीजों को लेकर दिक्कतें हुई, तो आज संगठन के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं जिनमें सुभाष भगत और हितानंद शर्मा संगठन से जुड़े दो बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उन दोनों के अशोकनगर में आज कार्यक्रम रखे गए हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक रखी गई है। तो अशोकनगर के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मगर आप जिस तरह से ग्वालियर संभाग की बात कर रहे हैं, तो अगर एक एक सीट की चीज की बात की जाए तो ये चुनाव पूरा ग्वालियर पर केंद्रित होने वाला है, ग्वालियर चंबल संभाग पर, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ये अपने गढ़ के तौर पर देखना होगा। क्योंकि जिन सीटों पर अभी चुनाव हो रहा है, उसके बाद जो शेष सीटें बचती है उनमें लगभग लगभग आधी आधी की स्थिति में इस समय बीजेपी और कांग्रेस है। और ये पहला मौका है करीब करीब 4-5 दशक के बीच में कि जब सिंधिया परिवार के बगैर कांग्रेस इस इलाके में है। क्योंकि अभी तक होता ये था कि कांग्रेस के जो भी टिकट होते थे, जो भी कैंपेन होता था या जो भी चीजें होती थी, वो सब सिंधिया के भरोसे होती थी। तो कांग्रेस को इस पूरे इलाके में अपनी जमीन तलाशने के लिए पहला मौका है, और ये इसी वजह से पूरा का पूरा फोकस इस इलाके में किया गया है। चंबल के 3 जिले और ग्वालियर संभाग के 5 जिलों को लेकर ये सारा पूरा चुनाव लगाया जा रहा है, और ज्यादातर सीटें भी इसी तरह है। तो ये चुनाव पूरा का पूरा केंद्रित जो है ग्वालियर की तरफ होने वाला है। जी भैया, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर आपने बात कही है, क्योंकि पहली मरतबा जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कई दशकों में ऐसा पहली बार है जब कांग्रेस पार्टी सिंधिया परिवार के बिना ही चुनावी मैदान में अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश, या फिर यूं कहें कि उसे ढूंढने की कोशिश में। इस पर आऊंगी संजय आपके पास, लेकिन उससे पहले मैं सरस्वती आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम तमाम चीजों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच देखिए दो चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। एक बात तो ये, क्योंकि जिस तरीके से वचन पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी कर दिया पूर्व सीएम कमलनाथ का चेहरा आगे करके, उसमें इस बात का जिक्र था कि हम 15 महीने के कार्यकाल को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं। ये बात तो साफ है कि पूर्व सीएम कमलनाथ वहां पर सबसे आगे हैं। इधर अगर बात करनी जाए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तमाम नेताओं से, हमारे अलग अलग सहयोगी जब बात करते हैं तमाम मंत्रियों से, तमाम कैंडिडेट से, दोनों खेमों की अगर बात कर ले तो तमाम नेता आपके पास आना चाहूंगे, क्योंकि हम अगर अशोकनगर की बात करें, आपने जिस तरीके से हम लगातार तमाम विधानसभा क्षेत्रों के समीकरणों के बारे में बात कर रहे हैं, आपने बीते दिन ये बताया था कि वहां पर ये परिस्थितियां देखने को मिल रही है, और ना केवल वहां पर बल्कि अगर हम पूरे अलग अलग क्षेत्रों की भी बात करें तो ये परिस्थिति है कि तमाम जो मूलभूत मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे नजर आते हैं। मुख्यतः आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो देखने को मिलता है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, आप तमाम चीजों को समझते हैं, आप जनता के मिजाज को टटोलते हैं। आपको क्या लगता है असल में धरातल पर जो बातें और जो दावे किए जाते हैं नेताओं के द्वारा, उसका असर आम जनता पर कितना ज्यादा पड़ता हुआ नजर आता है इस सिचुएशन में? हितेंद्र, देखिए इस सवाल का तो मैं जवाब दे रहा हूँ, उसके अलावा आपने एक जो सवाल पूछा था सिंधिया को लेकर, उस पर मैं बात इसलिए करूंगा क्योंकि इस इलाके से वो आते हैं, 18 साल से चुने जाते रहे, हम लोगों ने उनसे काम किया है। तो पहली मुद्दे की बात जो आप कह रही हैं मूलभूत समस्याएं और सुविधाओं के लेकर, जैसे ये चुनाव जनता के सामने आया, मार्च माह में ये तय हो गया था कि चुनाव होगा, तो चुनाव होने के बाद लोगों को ये लगता था, बाई इलेक्शन को लेकर एक धारणा है कि जब भी उपचुनाव होते हैं तो उन इलाकों में अपेक्षाकृत विकास बहुत तेजी के साथ होता है, ज्यादा होता है, और भविष्य की योजनाएं एक साथ बहुत लंबे समय के लिए एक साथ आ जाती हैं। तो लोगों को ये लग रहा था कि भले ही किसी भी कारण से चलिए चुनाव थोप दिया गया है, आ गया है, तो इन इलाकों को फायदा होने वाला है, ये लोग सोच रहे थे। मगर जैसे ही लोग अपने राजनीतिक लोग अपने मैदान में आए राजनीति करने के लिए चुनाव के लिए, तो लोगों को बड़ी निराशा हाथ लगी। दरअसल बड़े प्रोजेक्टों पर बात नहीं कर रहे थे, वो किसानों से संबंधित मुद्दों पर पूरे स्थायी तौर पर बात करने वाली चीज नहीं कर रहे थे।
युवाओं को लेकर दोनों ही दलों ने जो बात है की थी, चाहे स्थिति शिक्षक को लेकर हो चाहे बेरोजगारों को लेकर, उनको लेकर कोई निर्णायक स्थिति की बात नहीं कर रहे थे। साथ ही और भी ऐसे छोटे छोटे मुद्दे थे जो स्थानीय स्तर के चुनावों को बहुत प्रभावित करते थे। दुर्भाग्यजनक तरीके से उन सब चीजों को छोड़ के दोनों ही पार्टियों ने विकास को दूर हटाकर आरोप प्रत्यारोप की बात की। तो अशोकनगर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है और मैं लगातार ये बता भी रहा हूँ कि यहीं से वो शुरुआत होती है। जब अरविंद भदौरिया ये कह के चले जाते हैं अरुण यादव को कि दो कौड़ी का नेता है, इसके बाद जब अरुण यादव आते हैं तो वो कुत्तों की समाधि बेचने का जो आरोप सिंधिया जी पर लगा देते हैं, इसके बाद तो फिर दिनेश गुर्जर का बयान है, फिर कमलनाथ जी का खुद के बयान है, और फिर जो है कैलाश विजयवर्गीय ने चुन्नू मुन्नी वाले बयान। तो इसके बाद ये क्लियर हो गया था कि ये लोग विकास पर चुनाव नहीं लड़ रहे, एक दूसरे को नीचा दिखाने और तुतू मैं की ये लड़ाई हो गई। तो ये बहुत खराब बात थी, इस वजह से विकास पीछे हो गया, मुद्दे खम हो गए। चलिए ये बहुत अहम बिंदु है जिसके बारे में आपने बात करी। हाँ हितेंद्र, चलिए आप कुछ कह रहे हैं, बहुत संक्षेप में इस बात को समाप्त कीजिए हितेंद्र।